तो व्हाट्सअप गाइस, जैसा कि आप लोग इस फोटो को देख रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से फेस को स्मूथ किया गया है एंड फेस पर आप लोग देख सकते हैं येलो टोन इफेक्ट डाला गया है। एंड दोस्तों आप लोग हेयर पर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हेयर ऑयल पेंट फोटो एडिटिंग किया गया है एंड आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हैं ओके इफेक्ट भी डाला गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी इस टाइप के फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को आप लोग फुल वॉच कर लीजिएगा, आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, जिस फोटो को भी एडिट करना होगा उस फोटो को गैलरी में से शेयर कर लेना है यहाँ से स्नैपचीट एप्लीकेशन में दोस्तों। तो इसको स्नैपचीट एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों शेयर करने के बाद सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे आप लोग को आ जाना है और नीचे आप लोग को यहाँ पर हीलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इस पर ड्रॉ कर देना है, ड्रॉ करने के बाद ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। दोस्तों सेव करने के बाद फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे ग्लैमर ग्लो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग को थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इसका सबसे पहले वार्म इसका फुल कर लेना है और इसका जो ग्लो है फुल ही रखना है एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर लेना है, ठीक है। दोस्तों सेव करने के बाद फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों इसको पूरा छोटा कर लेना है और इसका ट्रांजिशन जीरो कर लेना है और इसको भी पूरा जीरो कर लेना है और जीरो करने के बाद कुछ इस तरीके से नीचे रख देना है एंड इसका ब्लर स्ट्रेंथ पूरा होल कर देना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इस फोटो को भी सेव कर लेना है। सेव करने के बाद दोस्तों फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने बाद नीचे आ जाना है और नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, नीचे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद हम लोग यहां से एक फ़ोटो को ऐड करेंगे जिस फोटो को सबसे पहले ऐड किए थे। तो चलिए दोस्तों हम लोग उस फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के बाद नीचे थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद इसको ऑपेसिटी को फुल कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों इसको सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है और भी एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग को क्या करना है, नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद इसका हम लोग रेशियो पूरा जीरो रखेंगे और कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है और बैकग्राउंड को कुछ इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को ड्रॉ कर लेना है तो ऑटोमेटिक आप लोग का बैकग्राउंड ब्लर भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड को ब्लर करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद नीचे आप लोग को यहाँ पर ऊपर आ जाना है और डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। और इस पर क्लिक करने के बाद इसका हम लोग स्ट्रक्चर 50 प्लस रखेंगे एंड शार्पनिंग को भी हम लोग 50 प्लस रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों सेव करने के बाद आप लोग को क्या करना है, फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद इसको फेस पर रख लेना है कुछ इस तरीके से और इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेना है एंड सेचुरेशन को भी थोड़ा सा और इसका ब्राइटनेस को आप लोग एडजस्ट कर लेना है और फिर से नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद इसको हेयर पे रख लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसका साइज छोटा कर लेना है और इसका सेचुरेशन को कम कर लेना है एंड स्ट्रक्चर को बढ़ा देना है और इसका ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्या करना है, इस फोटो को भी सेव कर लेना है। तो दोस्तों फोटो को सेव कर लेने के बाद फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ब्रश पे क्लिक कर देने के बाद नीचे फोर्थ नंबर वाले ब्रश पर क्लिक कर देना है सेचुरेशन पे और इसको 10 पे रख लेना है और जूम करके कुछ इस तरीके से इसको लिप पर अप्लाई कर देना है।
ठीक है दोस्तों। और इसके बाद क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है और उसके बाद दोस्तों इसको डन कर लेना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस फोटो को हम लोग पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों पिक्सार्ट एप्लीकेशन में ओपन करने बाद सबसे पहले क्या करना है, नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों आप लोग को प्लस वाला ऑप्शन दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो आप लोग को क्या करना है, इसको स्क्रीन पर ही रख लेना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आप लोग को मैक्स ह्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसका ह्यू आप लोग थोड़ा थोड़ा कम करते हुए जाइएगा इधर। तो जैसे ही आप लोग का अगर बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा पूरा, तो आप लोग को क्या करना होगा, ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसको सेव कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना होगा, ये नीचे इधर जाना, ड्रॉ पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है और इसके बाद दोस्तों इसको सेव इमेज कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस फोटो को फिर से हम लोग शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने बाद नीचे आप लोग को ऑटोडेस्क यानी कि स्केच बुक अप्लीकेशन में इसको ओपन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऑटोडेस्क में ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, इस लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और हम लोग इसको इस नॉर्मल जो लिखा है नॉर्मल पर क्लिक कर देना है एंड हम लोग इसको सॉफ्ट लाइट पर रख लेना है, ठीक है। और इसको कट कर देना है, कट करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, येलो वाले ऑप्शन पे। और इसके बाद दोस्तों ये वाला सर्किल जो दिख रहा होगा इसको आप लोग हल्का सा ऊपर लेकर जाएंगे तो येलो टोन बन जाएगा कुछ इस टाइप का। और इसके बाद दोस्तों इसको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद दोस्तों आप लोग को ऊपर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद लाइब्रेरी में आ जाना है। ट्रेडिशनल में आप लोग को यही वाला ब्रश को यूज़ करना है, ठीक है। और इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिए, ऑपेसिटी को फुल रखना है और साइज़ को छोटा या बड़ा कर लेना है, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से फ़ोटो को जूम कर लेना है और पूरे फेस पर इसको अप्लाई कुछ इस तरीके से कर देना है, जहाँ जहाँ भी स्किन होगा वहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और हम लोग इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से इसको ऑपेसिटी वाले ऑप्शन पे इसको हम लोग ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे 57 तक। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इसको मर्ज कर देना है। तो दोस्तों मर्ज करने के बाद क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से लाइब्रेरी पर आ जाना है एंड दोस्तों हम लोग को स्मज वाले में ऑप्शन दिख जाएगा बहुत सारा, तो हम लोग को ये वाला ब्रश ले लेना, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने बाद दोस्तों इसका सेटिंग आप लोग देख लीजिएगा, तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड फ्लो को आप लोग 3 पर रख लीजिए, 3 पर रख लेना है और स्ट्रेंथ को हम लोग 4 पे, ठीक है। और इसको कट कर देना है दोस्तों, इस तरीके से फ़ोटो को जूम कर लेना है एंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने में इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा लेना है और कुछ इस तरीके से फेस पर आप लोग को अप्लाई करना है, ड्रॉ कुछ इस तरीके से आप लोग करिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फेस काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फेस को स्मूथ करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद जो ये वाला सर्किल है आप लोग यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप लोग को क्या करना है, यहाँ से कट कर देना होगा। और कट कर देने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देने के बाद मीडियम ब्रश को हम लोग यूज़ करेंगे और इसका ऑपेसिटी फुल ही रखेंगे और कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देना है।
तो आप लोग यहाँ से चश्मे पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ड्रॉ करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कलर अभी हम लोग के शर्ट पे मैच नहीं हुआ है। तो इसके बाद क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड इस पर क्लिक कर देने बाद इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और लेयर पे क्लिक करने बाद दोस्तों नॉर्मल लिखा है नॉर्मल पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करने बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ से डार्केन पे क्लिक कर देना, ठीक है। डार्केन पे क्लिक करने इसको कट कर देना है और कुछ इस तरीके से आप लोग को शर्ट पर अप्लाई करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सॉरी फ्रेंड प्लस पे नहीं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ से एसएसएल एडजस्टमेंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग सबसे फर्स्ट नंबर पर देख रहे होंगे, इस वाले को आप लोग इधर से उधर करेंगे तो आप लोग का शर्ट का कलर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से शर्ट का कलर चेंज कर ले रहे हैं तो दोस्तों, और इसके बाद इसका हम लोग लाइटनेस बढ़ा देंगे एंड यहां से हम लोग इसका लाइटनेस को हल्का सा बढ़ा देंगे और इसके बाद दोस्तों इसको हम लोग डन कर लेंगे, ठीक है। डन करने बाद दोस्तों क्या करना है, इस फोटो को सेव कर लेना है। दोस्तों क्या करना होगा, इस फोटो को यहां से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम लोग इसको टूलविज ऐप में ओपन कर लेंगे, ठीक है। प्लीज ऐप में ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद सॉफ्ट स्मज पर क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप लोग को नीचे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग को सियन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको क्लीन कर लेना, ठीक है। क्लीन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हेयर पर इसको अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करना होगा, तो दोस्तों इसके बाद क्या करना होगा, इस फोटो को सेव कर लेना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है।